नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए ब्यूरो कैमरामैन के साथ मनोज कुमार का रिपोर्ट। महागठबंधन के नेताओं में दिखे एकजुटता, बोले वक्ता फिर राजद के हमारे वरिष्ठ नेता है श्री रामदास खान जी, आदरणीय तेजस्वी जी उनके विरासत को लेकर क्या आगे बढ़ रही है वो उपस्थित है और उपस्थित है हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेता हैं और हमारे मुकेश सहनी साहब यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं और महागठबंधन के हमारे सभी साथी। महागठबंधन ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का नहीं है, किसी पार्टी को जिताने का नहीं है, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है बल्कि ये चुनाव प्यारी बहनों नए इतिहास लिखने का समय आ गया है क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और नौजवानों के रोजी और रोटी के लिए उनकी नौकरी और रोजगार के लिए महादलित और गरीब वर्ग के बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेंगे तब न्याय सब लोगों को मिलेगा, आप को भी न्याय मिलेगा, देश के लोगों को न्याय मिलेगा। सब लोगों से आग्रह एक एक वोट दीजिए, एक एक वोट दीजिए, इनका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप पर बटन दबा करके इनको जिताने का काम कीजिए। अब मेरे बाद यहाँ मांझी जी मुकेश सहनी जी पहुंच रहे हैं, उनकी बात को तो सुनकर जाइए। आज 10 जगह हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। इस लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार और बिहार ही नहीं देश की महिला नेत्री आदरणीय मीरा कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, सम्मानित अभिभावक राजद के लोग हैं, हिंदुस्तान युवा मोर्चा के क्लब के हैं, वीआईपी पार्टी के हैं और आरएलएसपी के हैं। यहाँ पर हम लोग सम्मिलित रूप में कांग्रेस को हम लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह दिया है और यहाँ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है जैसा आप लोग जानते हैं। भाइयों, आज ये जो चुनाव ऐसे तो लगता है कि किसी व्यक्ति को हम लोग वोट दे रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति का वोट नहीं है। आज देश में ऐसे खतरा है, संवैधानिक खतरा है, हमारा आरक्षण भी खतरा है, राजीव गांधी जो हम लोग को एट्रोसिटी एक्ट रूप में देख करके ढाल दिया था बचपन के लिए उससे छेड़छाड़ किया गया है और पार्लियामेंट में एक कानून को बना दिया गया है लेकिन जब तक संविधान की नौवीं सूची में उसको नहीं रखा जाता तब तक वो एक्ट है संस्थाएं यहाँ पर है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सीबीआई हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सबके जो प्रधान है वो पोस्ट पोस्ट में है और इनके रिजाइन भी कर रहे हैं। इसका मतलब है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने हाथ में
संविधान को लेकर के आगे चलने वाला है और आगे से इसका संविधान लागू करने वाले हैं। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो नई तारीख को जो साधारण का चुनाव हो रहा है, हमारी बहन मीरा कुमार जी को हाथ छापकर बैठ जबरदस्त दबा करके लाखों वोट दी जाएगी। हमारी अभिभावक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता पगड़ी है आदरणीय मीरा कुमार महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और जितने भी हमारे बैठक में नाम रखते हैं और जितने हमारे नौजवान और भी हमारे नेता जो है यहाँ पहुंचने का काम किए हैं, आपके बीच वो सब आकर के अपनी बातों को, अपने विचार को रखने का काम करेंगे। आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि 19 तारीख को मतदान है और 19 तारीख को जो मतदान है आप सब लोग एक एक वोट जो है एक एक वोट कांग्रेस के निशान पंजा छाप पर मीरा कुमार जी को भारी से भारी मत दे करके आपको विजय बनाने का काम भाइयों और मित्रों, अब हेलीकॉप्टर एक और आ रहा है, एक हेलीकॉप्टर अभी उड़ रहा है, लक्ष्मी यादव जी गए हैं, एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है। चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं हमारे चक्कर में, अब कहां से मुकाबला लोग कर पाए और उनसे भी मुकाबला, अब यहां से जो उम्मीदवार है एनडीए के उनमें और मीरा कुमार जी में कोई तुलना है क्या? कोई तुलना नहीं है। मीरा कुमार जी जब सदन में, हम लोग तो उस समय सदन में नहीं थे, जब सदन में सबसे जो ऊंचा आसन, सबसे ऊंची जो कुर्सी होती है उस पर बैठकर जब देश भर के लोगों को वहां से सदन चलाते हुए जब देश भर के लोग देखते हैं, बताइए भाई लंबा भाषण करने की जरूरत नहीं। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे, आप लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम जिताएंगे, जरा उद्योगी कुशवाहा को भी एक बार बता दी जिनको जिता रहे हैं, सुन लो इनको जीत की बधाई दे दे हम लोग। चलिए तो जीत की इनकी बहुत बहुत इनको बधाई, इनको जिताना जरूरी है, इनको जिताना जरूरी है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकी उम्मीदवारी है, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग या मीरा कुमार जी से जुड़े हुए जितने लोग कारक आदमी है सब उपेंद्र कुशवाहा को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो स्वाभाविक कर इनके लोग उपेंद्र कुशवाहा को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों का फर्ज बनता है इनको जिताने में आप भी दिन रात एक करने का काम। हम सब लोग जीत कर जाने वाले, देखिए बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र और हम लोगों का लक्ष्य 40 में 40 जीतना है और यकीन मानिए जहां जहां मतदान हुआ है और जहां होने वाला है जो रुझान दिख रहा है पूरे बिहार के लोगों का 40 में 40 हम लोग चुनाव जीतेंगे और बिहार जैसा, बिहार के अनुसार राज्य में जब 40 जीतेंगे तो यूपी में तो बीजेपी वालों का पहले ही सुपड़ा साफ है और पश्चिम बंगाल में साफ है और बिहार में भी करने की जरूरत नहीं है। ये विचित्र किसी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई पार्टी चुनाव में हारती है तब उसके सीटों की संख्या कम होती है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार बीजेपी के साथ था तो 22 सीट
पर बीजेपी जीत कर आई थी। इस बार तो चुनाव के पहले ही 5 से 17 पर बीजेपी चली आई है, 5 सीटें पहले ही घट गई, 5 सीट पहले ही घट गई है इनकी। और 23 तारीख आने दीजिए, 23 तारीख को जब काउंटिंग का परिणाम आएगा तो 0 पर लोग आउट होंगे, 0 पर। आप हम लोगों से आग्रह है, सब लोग उनको जिताइए। और हम लोगों का जो अभियान है, हम तो शिक्षा सुधार वाले हैं, आपको मालूम है गांव के सरकारी स्कूल में कैसी अच्छी पढ़ाई हो। आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें पिछड़ा से पिछड़ा गरीब समाज के लोग या ऊंची जात के भी जो गरीब लोग हैं, इन परिवारों के लोग कैसे जज बने। हम तो इस आंदोलन को लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक जो स्थिति है देश की, इतना ठंडा है, दोनों हाथ उठा कर निकाला जा गई, पीछे से भी लगाइएगा पक्का। देखिए आप लोग के आवाज में कितना बुलंदी है। अरे जितना नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार की जो है भाषण जो पलटू चाचा है, जिसको हमारे पलटू चाचा ने खड़ा है, बचपन में एक फिल्म देखे थे 84-420, अभी देख रहे 84-420। तो आप देखिएगा क्या काम किए, ऐसा काम किए हैं कि शराब तो बंद कर दिए लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है। और अमीरों पर और बड़े बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, सारी कार्रवाई चाचा जो है डिग्री के इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की दिमाग लगाई है। काश सुनिए 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 भैया, काश ये इंजीनियरिंग दिमाग हमारे चाचा बिहार के विकास के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए लगाते तो आज बिहार की रूपरेखा लगे। लेकिन हमारे पट्टू चाचा जी ने, सुनिए भैया, पलटू चाचा जो है शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं किए हैं, इन्होंने अपना जेब भरने के लिए किया। आज महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 200 का 1500 कागज पे बंद करा करके 200 रुपए का बजट 1500 में बिकवा रहे, यानी 200 और 1500 में कितने घंटा, 1300 रुपए जो है पलटू चाचा के दे देगा साफ तौर। और हमको तो सबसे ज्यादा हमदर्दी बिहार पुलिस से, सबसे ज्यादा हमको है तरफ से तो बिहार पुलिस से। हमारे पलटू चाचा ने बिहार पुलिस का हाथ को बांध दिया, साफ बात है। पुलिस का क्या काम होना चाहिए, अपराधी को पकड़ो, हत्यारों को पकड़ो, बलात्कारियों को पकड़ो, है कि नहीं है ना, को पकड़ो। तो बिहार का पुलिस कौन काम में लगा, सूने चल रहा है, अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बोलिए पड़ेगा बहुत ऐसी। मोदी जी रोजगार दे दिए, मेरे साथ लगाओगे पक्का पक्का। देखिए हम बोलेंगे भाजपा बचाओ देश बचाओ, तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक है, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा भाजपा बचाओ। अब पलटू चाचा को छोड़ दीजिएगा, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ, बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक है, पलटू चाचा भगाओ, देखिए पिताजी को जब जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ में थे, तो हम निराश थे दुखी थे, तो पिताजी ने बोला बेटा निराश मत होना दुखी मत होना, जब भी निराश होगे दुखी होगे तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना, तो हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच नहीं सुनोगे तो समझोगे कैसे, समझाओगे कैसे, ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है लोगों तक बताना, बात को समझिए। हम जब जाते हैं अपने बीमार पिता से रांची में मिलने तो एक बेटे को एक बीमार पिता से मिलने नहीं देता। अरे पलटू चाचा नालंदा में घूम करके कह रहे कि लालू जी को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। देखिए ये तो अदालत फैसला करेगा, हम लोग हाईकोर्ट का सीन में,
लेकिन एक बात तो प्रमाणित हो गया कि नीतीश कुमार जी ने मान लिया कि उन्हें जेल में भेजा था वो नहीं निकलने देंगे है कि नहीं। अगर जनता मन बना ले और मीरा कुमार जी जीत जाए चुनाव तो किसी माइके लाल में दम है लालू जी को बाहर आने से। जिस चुनाव में आपके नेता हमारे पिता आदरणीय लालू जी शारीरिक रूप से ये पहला ऐसा चुनाव है कि हम सबों के बीच में रहे। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देश में जो लोग सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जो प्रकाश शक्तियां हैं, जो लोग हैं, उनको सत्ता से बेदखल हम सब लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग एकजुट होकर के उनसे मुकाबला करने का काम करेंगे। हम सब लोग अति पिछड़े भाई हो या हमारे दलित भाई अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों से अपील है कि गोलबंद होकर के चट्टानी एकता के साथ जो हम लोगों ने महागठबंधन बनाने का काम किया है, आप लोग सब लोग महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करें, फिर से गरीब की राहत को लाने का काम करें, सामाजिक न्याय की सरकार को लाने का काम करें, धर्मनिष्ठा की सरकार को लाने का काम करें। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, और भी नेता है उन लोगों को भी बोलना है, लेकिन ये जितना भाजपाइया सब है ये लोग जानता था, देखिए ये लोग जानता था कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान के साथ और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यहाँ है अगर एक आदमी होगा रिपोर्टिंग के लिए तो कान खोल के सुन ले, सोचता है कि लालू जी को साजिश के तहत जेल में बंद कर देंगे और अपने इरादे और मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, देश का संविधान बदल देंगे, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ देंगे और गरीब का आरक्षण छीन लेंगे। अगर कोई भजपैया है भजपैया कान खोल ले और कान साफ कर दे, ये गलत फहमी नहीं मत लेना। भले ही लालू जी को साजिश के तहत तुमने जेल में बंद किया लेकिन ये मत भूलो लालू जी का बेटा एक खड़ा है, हमारे संविधान पर या आरक्षण पर या हमारी गंगा जमनी तहजीब पर भाईचारे पर अगर बुरी नजर देखोगे तो अंजाम बुरा होगा। ये बात इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो आप लोग देखिए बीजेपी के लोगों को भाजपा के लोगों को अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो मां का दूध पिया तो आज मैदान में तो हाथ करने बाप लोगों को लालू जी को तभी नहीं मिलेगा जब मीरा कुमार जी यहाँ से भारी से भारी मोहम्मद से जाएंगे तब लालू जी को नया मिलेगा। जीत गए बंजे भैया खाली वोट मार के हो परिवार से हमारा बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है, पूरे वक्त में भी इन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया है, हमेशा खड़ी रही है और मजबूती के साथ रही है। जो लोग भी है प्रत्याशी जो लोग सरकार जो है एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार। मोदी जी ने क्या रहा किया था कि भजपैया से नारा लगा था मोदी घर घर मोदी मम्मी पापा अपनी बार मोदी सरकार अच्छे दिन आएंगे तो काला धन आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को हर एक साल रोजगार मिलेगा, किसानों का आय दोगुना होगा, बिहार को स्पेशल राज का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, सब पैसा लगेगा। मोदी जी ने करने का काम किया। हम आपको बताना चाहते हैं मोदी जी की सारी राजनीति जो है दिखावटी बनावटी और मिलावटी है,
मोदी जी जो है झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर और रिटेलर भी हुए। एक बार इनके घर से मैं बताइए, भाजपा वाला लोग बोलता रहे हर हर मोदी घर घर मोदी, हम बोलते हैं दरबार मोदी या घर बरना। जब मुद्दे पे बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, नौजवान के बारे में बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, रोजगार के बारे में बात करोगे, तो बीजेपी के लोग एक ही बात करेंगे। उनका एजेंडा ये नहीं है, उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर। हनुमानों जी के बात हो सकता हूँ भाईचारे की बात करते हैं, गरीबी मिटाने के बारे में बात करते हैं, महंगाई कम करने के बारे में बात करते हैं, नौजवानों को रोजगार देने के बारे में बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो इनका बीजेपी का भाजपा का एवं नेता है गिरिराज सिंह, बोलता हम पाकिस्तान भेज देंगे। अब होता है गिरिराज सिंह के बाप का देश जो हमने पाकिस्तान आप देखिए राहुल गांधी जी ने न्याय योजना दिया, न्याय योजना से मतलब हिंदुस्तान में भारत में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो 12,000 से नीचे कमाएगा, यानी आप जो पिछड़ा परिवार जो गरीब परिवार है पीछे से जो बैक बेंचर है सोसाइटी का उसको आर्थिक रूप से मदद करने का काम कीजिएगा तो करने का काम करेंगे। इसलिए एक एक वोट जो है मीरा कुमार जी को आप लोग देखें। राजद का युवा नेता है, मेरा नाम दीपक यादव ब्रिगेडियर सुसागर रोहतास के हमारे यहाँ, और हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद इस गठबंधन का विजय कुमार के लिए हम लोग यहाँ कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद सब प्रयास करने के बाद हम लोग को अनुमति मिला, लेकिन 10:30-11 रात के मिला हम लोग को अनुमति। उसके बाद हम लोग ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन ये किया। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते कि रहे हमारे लोगों का, हमारे लोग जो आए थे नेता आए थे तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, माझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उन लोगों का समय के लिए हम आधा घंटा के एक घंटा के रिक्वेस्ट करते रहे, जिसमें लोग नहीं दिया हमको, 2 बजे बातचीत कर दिया था आपको, वो 2 बजे तक प्रोग्राम कर लेना है हमने, उसमें जिसमें हमारे लोग ने पूरा बढ़िया से अपना उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसमें शरद यादव ने भाषण नहीं कर पाए और इसी तरह लौट गए आए मंच पर और चले गए समय।